ये जरा ध्यान से डिवाइड करते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x² माइनस 2x प्लस 8। ये फर्स्ट, और आपके पास क्या आएगा, आपके पास रिमाइंडर आएगा x प्लस 8। तो हमसे कह रहा है कि आपको a फाइंड करना एंड आपको k फाइंड करना। सब बच्चे बताओ क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? बस इतना सा ही क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। अब चलो डिवाइड करना सीखते हैं। बस डिवाइड करना जो हमने आपको तीन स्टेप बताए वो आपको आते हैं या नहीं आते? तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट टर्म देखना है x², फर्स्ट टर्म देखना है x^4। तो आपको कितने एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए, तो आपको कितने पावर्स चाहिए, आपको चाहिए स्क्वायर x² फिर आपको क्या करना होता है, फिर आप जो भी नंबर आप यहाँ लिखते हो उनसे आप मल्टीप्लाई करते हो, एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करोगे, एक्स को भी करोगे और के को भी करोगे, और जो जो पावर सेम आएंगे उसको उसके अपॉन में लिखो, x² × x², ये आपके पास हो जाएगा x^4, x² × -2x इज -2x³। सिंपल डिवीजन है, बस यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि अब तक आपने नंबर्स वाला मल्टीप्लाई किया था, यहाँ k से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमें कितना अच्छे से आता है वो देखना, प्लस के एक्स स्क्वायर। मेरे साथ चाहे आप डिवाइड करते रहो, चाहे मेरी इसमें कैलकुलेशन में ध्यान रखो, बस देखते रहो, जो भी स्टेप आपको लगेगा सर ये कैसे आया मुझसे पूछो। अब आप क्या करते हो, उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, ये आपको तो x^4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6x³ प्लस 2x³ आई थिंक माइनस 4x³ आएगा एंड 16। अब यहाँ है, बस यहाँ से आप समझना शुरू करिए, इसको रफ में समझ लीजिए, आपके पास क्या आया बेटे, आपके पास आया 16x² और माइनस kx² प्लीज ध्यान से समझिए, ये मैं लिख रहा हूँ बेटे kx² इसी एक स्टेप को समझ लीजिए तो दूसरा स्टेप नाम समझ में आ जाएगा, और ये है 16x², 16x² प्लस में है और kx² अब हमारा माइनस में हो चुका है, उसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो आप मुझे बताओ क्या कर सकते हो आप, 16x² माइनस kx² क्या कर सकते हो आप यहाँ से x² कॉमन ले सकते हो, x² तो अगर x² कॉमन लेंगे तो फिर ये बेटे ऐसे नजर आएगा 16 माइनस k इंटू x², यस और नो? सब बच्चे बताओ, ये हमारे पास आएगा, तो प्लीज ध्यान से देख लो आप सब बच्चे, तो प्लस आ जाएगा, बस यही ध्यान रखना है वेरिएबल के साथ, प्लस 16 माइनस के इनटू x², ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, तो हमारे पास फिर क्या रह जाएगा, माइनस 25x प्लस 10। जितनी बार आप इसको डिवीजन को अच्छे से कर सके उतना अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया माइनस 4x³, तो मुझे चाहिए माइनस 4 × x, यस और नो? भाई हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास x² है यहाँ पे और यहाँ पे है माइनस 4x³, तो हमें यही ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस ही आएगा। स्क्रीन ब्लर हो रही है आज, क्यों हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है, चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है x² माइनस 4x³, तो माइनस का साइन लेना है, 4 लेना है और x लेना है,
तो हमारे पास आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस फोर एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से, माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स से, और माइनस फोर एक्स को मल्टीप्लाई करोगे के से, और इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आपको के से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस फोर एक्स क्यूब, माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा एट, एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर के एक्स। हाँ सर, समझ में आ रहा है क्या कुछ? हेलो जी सर। अमान यस सर, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, अब आप फिर साइन चेंज करेंगे, अगर साइन चेंज करेंगे बेटे तो आपके पास साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, माइनस फोर एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे आप बताओ अगेन, फिर हमारे पास क्या है, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर है। सब बच्चे ध्यान से फिर इसी चीज को देखिए, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैं उसी लाइन में लिख रहा हूं तो आपको समझ में आएगा, माइनस एट एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस एट एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन लोगे आप? सर एट एक्स स्क्वायर। नहीं बेटे, एट नहीं, वो ब्रैकेट में 16 माइनस के है तो एट एक्स स्क्वायर। हाँ शाबाश, वेरी गुड, ओनली एक्स स्क्वायर। तो फिर आपके पास क्या रहेगा बेटे, 16 माइनस के माइनस एट एक्स स्क्वायर, यस और नो? सब बच्चे बताओ ये बात, यस सर, है ना बेटे? और 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटे, क्योंकि 16 नंबर है और 8 नंबर है, तो 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 8। यस, तो आपके पास आएगा बेटे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। प्लीज जो बच्चे हैं क्लास में वो इन्वॉल्व हो थोड़ा सा और देखें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अच्छा, इसी तरह से मुझे बताओ, अब आपके पास 4kx है और 4kx प्लस में है एंड माइनस 25x है, तो इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो प्लस वाले से स्टार्ट करो, प्लस वाले का मतलब प्लस को पहले लिख लो, तो प्लस को पहले लिखोगे तो 4k माइनस 25 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 10, 4k माइनस 25x प्लस 10, यस और नो? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि ये मेरा रिमाइंडर आया एक तरह से, अब मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो अब मैं किस से डिवाइड करूं, हमारे पास पहला टर्म यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आ रहा है, सर 8 माइनस के, सर 8 माइनस के, पावर तो एक्स स्क्वायर आ रही है, तो बेटे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, हम यहाँ यही लिखेंगे प्लस 8 माइनस के, बस यही वाली टर्म थी, आगे तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर सेम आ जाएगा, तो जो भी लास्ट में आएगा वो रिमाइंडर ही आना है। तो आप सब बच्चे देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास अब 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 माइनस के से पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस के से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा बेटे, आपके पास आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के से माइनस 2x को मल्टीप्लाई करो। अब ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई 8 माइनस के से, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, आप क्या कर रहे हो, माइनस 2x से 8 माइनस के को मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी हमें अब क्या करना है, हमें करना है 8 माइनस के इंटू माइनस 2x, तो अब आप देखिए इधर क्या हो रहा है, माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस माइनस को तो बाहर ही रख लीजिए और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 28 जा 16 माइनस 2k और x एज इट इज, यस और नो? सब बच्चे बताइए, यस सर। हाँ भाई, माइनस 2x को अगर 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा,
इनटू एक्स हम एज इट इज बाहर रख लेते हैं क्योंकि ऊपर वाले में भी एक्स बाहर ही है, एक्स को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, टू को इनसाइड ले जाते हैं, तो टू एट जा 16 एंड टू इंटू के इज 2k. सब बच्चे बताइए समझ में आया स्टेप या नहीं? नहीं आया समझ में? नहीं. आप बेटे बस फोकस ये करो कि मुझे इस बार जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ उस पे फोकस करो. हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, ठीक है, और आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 माइनस के से, यही करना है ना आपको? यस सर. ठीक है, अब 8 माइनस के से पहले आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर चुके हो, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर किया ना आपने? यस सर. तो क्या आया था आपके पास? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ गया था नीचे, है ना? सब बच्चे ध्यान से देखते जाइए, बस बाकी सबको हटा दीजिए, बाकी सबको ध्यान से मत रखिए, सिर्फ यहाँ ध्यान में रखिए. अच्छा, अब आप क्या करना है, 8 माइनस के को अब किससे मल्टीप्लाई करना है बेटे? माइनस टू एक्स से. माइनस टू एक्स से, तो आप देखो इधर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस टू एक्स इंटू 8 माइनस के, है ना? तो अगर मैं बेटे x को तो लास्ट में लिख दूं तो ये कुछ ऐसे होगा, 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स. यस सर नो? यस सर. 2 को ब्रैकेट में ले जाइए बेटे, क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 इंटू के 2k, तो क्या हो जाएगा टोटल टर्म, 16 माइनस 2k, माइनस बाहर आएगा, ये भी ध्यान रखना है, आउटसाइड ब्रैकेट माइनस होगा, तो क्या होगा, माइनस 16 माइनस 2k इंटू एक्स. यस और नो? यस सर. तो देखो हमने यही लिखा है क्या नीचे, ये समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर. जो खामोश है वो भी तो बोला करें. अब आपके पास बेटे लास्ट टर्म कौन सा रह गया, किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 माइनस के को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ओनली के से, तो 8 माइनस के इंटू के कॉन्स्टेंट है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर. यस और नो? सब बच्चे बताओ आपने क्या किया, आपने क्या k को मल्टीप्लाई किया है 8 माइनस k से, तो ये हो जाएगा बेटे 8 k माइनस k स्क्वायर. यस और नो? यस सर. यही स्टेप्स हैं, नेक्स्ट स्टेप तो बेटे रिमाइंडर का है, आगे कहानी खत्म हो चुकी है, बस ये डिवीजन आपको अच्छे से आना चाहिए, सबट्रैक्ट करो बच्चा जी. और मैं हमेशा यही कह रहा हूँ, डेली क्लास हो रही है, एक क्वेश्चन हम अच्छे से सीख रहे हैं, उससे अगर हमें 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो बहुत है हमारे लिए. मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, कंसंट्रेट करो अपनी पढ़ाई पे माशाल्लाह से, कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसीलिए रेगुलर क्लास है, कि हम ये जो आज कर रहे हैं बस ये आज आपकी फेयर कॉपी में कंप्लीट हो जाना चाहिए. अब जरा साइन चेंज करो बेटे, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, साइन कैंसिल हो जाएंगे ये. जरा मुझे बताओ नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ है 4k माइनस 25x और यहाँ है 16 माइनस 2kx, दोनों बेटे प्लस के हैं, ध्यान से देख लीजिए, तो क्या मैं x कॉमन ले लूँ यहाँ पे, यहाँ पे x कॉमन ले लूँ मैं, आप बताओ 4k माइनस 25, 4k माइनस 2k क्या होगा, 6k माइनस में बेटे, फोर, देखो इधर मैं दोबारा से यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4k लेफ्ट साइड देखो माइनस 25x और फिर प्लस में है बेटे 16 माइनस 2kx. अब बताओ मुझे क्या होगा, लेफ्ट साइड में देखो कैलकुलेशन, तो लेफ्ट साइड में करोगे तो x तो कॉमन आ गया, 4k माइनस 2k, 2k वेरी गुड 2k एंड 16 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9 यस और नो? सब बच्चे बताओ. यस सर. समझ में आ गया नहीं आया? यस सर.
तो आपके पास क्या आया बच्चे, आपके पास आया 2k-9x, और अब बाकी तो कुछ कैंसिल होना नहीं है, तो बाकी बेटे पहले प्लस k स्क्वायर मेंशन कर लीजिए, माइनस 8k कर लीजिए, प्लस 10 कर लीजिए, दैट्स इट, ये मेरा आंसर है बस। आगे तो सिर्फ कंपेयर करूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, जितनी बार आप इसे देखना चाहें देख लीजिए कि हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको अपने हाथ से आप जितनी बार डिवाइड करेंगे बेटे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अब आप प्लीज ध्यान से देखिए, डिवाइजर में पावर कितना है बेटे, डिवाइजर जो हम कर रहे थे जी एक्स हमारा जो है वो, उसकी पावर कितना है, टू बेटे, ध्यान से देखा करो ना, यहाँ पावर टू है बेटे, और जो हमारे पास पावर आया नाउ वो वन है, तो इसका मतलब पावर लेस आ गया। अगर पावर कम होता है तो फिर वो हमारा रिमाइंडर होता है, अगर वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है सर, तो बस अब हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, सो रिमाइंडर आर एक्स लिख लेते चलो, सो आर एक्स इज इक्वल्स टू 2k-9x प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, बट गिवन rx इज इक्वल्स टू x प्लस a। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास रिमाइंडर क्या आया है और रिमाइंडर गिवन कितना है, ठीक है, तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर कर लीजिए, मुझे आप ये बताइए जो हमारे पास रिमाइंडर गिवन x प्लस है उसके साथ x के साथ कोफिशिएंट कितना है, हाँ भाई, आर एक्स जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें x नहीं बेटे, जो आर एक्स क्वेश्चन में गिवन उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, वन, और जो हमारा रिमाइंडर आया है उसमें x का कोफिशिएंट कितना है, 2k-9, तो कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 2k-9 is equals to 1, और simply 2k is equals to 10, और simply k is equals to 5, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, यस सर, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या, हमारे पास लास्ट में क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट a, ए यहाँ है और वहां ऊपर है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये a है हमारे पास और ये हमारे पास कांस्टेंट है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, एंड a इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, लेकिन हम k फाइंड कर चुके बेटे, k हमने कितना फाइंड किया है, 5, तो पुट कर दीजिए k इज इक्वल्स टू 5, तो रखिए बेटे 5 स्क्वायर माइनस 8 इनटू 5 प्लस 10, तो 25 प्लस 10 35 होता है बेटे, 8 5 जा 40 होता है, 35 माइनस 40 माइनस 5, ये आंसर है, एक ही बात बताओ, सबको समझ में आया क्या थोड़ा बहुत, यस सर, यस सर, यस सर। तो मेन पार्ट बच्चे यहाँ पे जो है ना, मेन पार्ट बच्चे यहाँ पे बस ये डिवीजन है कि आपको वेरिएबल से डिवाइड करना आता है या नहीं, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज एक बार सारे एनसीईआरटी फाइल, आपको 90% मार्क्स लाने हैं, 90% सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी 90% इंशाल्लाह कहीं नहीं है। अब आप सोचिए, और पहले जिन भी बच्चों को टॉप करने का शौक है, फुल लाने का शौक है, वो पहले एनसीईआरटी करें, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अपनी एनसीईआरटी विद ऑल एग्जांपल्स विद ऑल क्वेश्चंस आप कर लीजिए, वैसे मैंने एक्स्ट्रा जो वर्कशीट थी असाइनमेंट था वो मैंने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है, उसे भी आप कर लीजिए, शायद ग्रुप में भी डाला होगा, तो फिर एक क्लास और दूंगा डाउट्स का या उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर आप मुझे बताइएगा पॉलीनोमियल्स बन जाने, फिर इंशाल्लाह टेस्ट लेंगे, जी जी ओके सर।
सर आपको आवाज आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आप चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिए। कोई बात नहीं, बायो क्लास हो जाएगी तो ये आप चीज सब बच्चे कर लेंगे। कल इंशाल्लाह कल नहीं होगी मुलाकात, ध्यान रहे। हाँ भाई सब बच्चे? यस सर। सैटरडे संडे ऑफ है? यस सर। ठीक है, तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो आप लोगों को होमवर्क करने में, क्लास वर्क करने में काम आएगा। हाँ एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, स्कूल का काम हो, इसका क्लास का काम हो तो वो आपके काम आएगा। टेस्ट लेने में, एक्स्ट्रा क्लास लेने में, डाउट्स करने में, स्कूल के एग्जाम्स का पूछने में सैटरडे संडे आपका काम आएगा। नो साइंस क्लास, नो मैथ्स क्लास ऑन सैटरडे संडे। ठीक है, अच्छा रहेगा? यस सर। यस सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अल्लाह सर। जी बेटे बताइए, बोलो सर। कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे आप नेक्स्ट? चैप्टर 3 इंशाल्लाह। यस ओके सर, चैप्टर 3 करेंगे बेटे। बहुत अच्छा सा चैप्टर है और सब बच्चों को उसको आना भी चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।